दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण के बीच बीमारियों ने लोगों को घेर लिया है। जैसे जैसे तापमान में गिरावट आ रही है, वैसे वैसे बीमारियां पनपती जा रही हैं। अब हाल ऐसा हो गया है कि खराब हवा का असर फेफड़े के अलावा लोगों के दिल और पाचन तंत्र पर भी पड़ रहा है। एक तरफ ठंड और दूसरी तरफ खराब हवा, ये दोनों हाई सेहत पर काफी असर डाल रही है। हाल ही में देखा जा रहा है कि ठंड में हार्ट अटैक के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसका मुख्य कारण ये है कि ठंड में नसें ज्यादा सिकुड़ती हैं और सख्त बन जाती हैं। नसों को गर्म और सक्रिय रखने के लिए खून का बहाव तेज होता है, इससे रक्तचाप भी बढ़ जाता है। रक्तचाप बढ़ने पर यदि दिल की धमनियों में कहीं भी रुकावट होती है तो हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। अभी कुछ दिन ही ठंड पड़ी, लेकिन सामान्य दिनों की तुलना में युवाओं में हार्ट अटैक के मामलों में बढ़ोतरी हो गई है। प्रदूषण की वजह से सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है, और ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि घातक केमिकल, कार्बन और बैक्टीरिया गले के रास्ते पेट तक पहुंचते हैं, जिससे आंतों में सूजन, पेट में दर्द, गैस्ट्रोएंटेराइटिस के अलावा वायरल डायरिया का खतरा बढ़ गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ठंड में हार्ट अटैक के मामले बढ़ने का कारण ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, पर्यावरण पोस्ट।